गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन में ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का हमारा सेकंड लेक्चर है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफरेंट व्यूज एंड डिफरेंट प्रोजेक्शन ऑफ 3D। ओके, कोई भी आपके पास 3D ऑब्जेक्ट है उसको आपको 2D में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मेन एम जो है वो क्या है कि 3D व्यू को 2D व्यू में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कुल मिला के हम इसको हम ऐसा कह सकते हैं, इट इज अ टेक्निकल ड्राइंग इन विच डिफरेंट व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टेड ऑन डिफरेंट रेफरेंस प्लेन्स ऑब्जर्विंग परपेंडिकुलर टू रिस्पेक्टिव रेफरेंस प्लेन। ओके, तो आपके पास एक रिस्पेक्टिव रेफरेंस प्लेन है, उसके रेफरेंस में आप जो भी व्यूज प्रोजेक्ट कर रहे हो, ओके, उसको हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो प्लेन्स कौन से रहते हैं? तो एक तो रहता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा जो है वो है वर्टिकल प्लेन, और थर्ड वन इज द साइड प्लेन और द प्रोफाइल प्लेन। ओके, तो ये बेसिक जो था वो थोड़ा बहुत आपका लास्ट लेक्चर में क्लियर नहीं हुआ होगा। मुझे पता है आप पहली बार ऑर्थोग्राफिक देख रहे हो और उसमें भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके दिमाग में घूम रहे हैं कि सर ये 2D व्यू क्या है, 3D व्यू क्या है। तो उसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर जो है अभी ओपन किया हुआ है सॉलिड वर्क्स करके। ओके, ये आपको सीखना नहीं है सॉफ्टवेयर, सिर्फ समझना है कि व्यू क्या होते हैं और किस तरह से दिखते हैं, राइट। तो उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूं सॉलिड वर्क्स। वैसे आपके सिलेबस में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है वो है, राइट, बट उसमें भी बेसिक है कि ऑटोकैड कैसे वर्क करता है। अगर सॉलिड वर्क्स आप समझ रहे हो तो ऑटोकैड भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। दोनों चीज सेम टू सेम है, बट सॉलिड वर्क्स जो है वो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है और ऑटोकैड जो है वो ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। तो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर बेसिक क्या होता है कि वो 3D ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करता है और ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर जो है वो 2D पर ज्यादा फोकस करता है। ओके, यहाँ पे देखो आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई है, राइट, और उस विंडो में यहाँ पे देखो फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है, राइट प्लेन है। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि भाई फ्रंट प्लेन क्या है, टॉप प्लेन क्या है, राइट प्लेन क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू जो है वो हम फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, तो ये जो है डिफरेंट प्लेन्स वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। प्रिंसिपल प्लेन जो है वो कौन से है? तो HP एंड VP है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, HP मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये जो है वो क्या है? वर्टिकल प्लेन। ओके, ऑक्सिलरी प्लेन्स जो है वो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन है एंड प्रोफाइल प्लेन है। तो ये है हमारा वर्टिकल प्लेन, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। और अगर AVP मतलब क्या है? ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। अगर आप जो है वो HP के परपेंडिकुलर हो बट VP मतलब आपका जो प्लेन है वो VP के साथ क्या है? इंक्लाइन है। ये आपका VP है मतलब वर्टिकल प्लेन के साथ अगर आपका प्लेन जो है वो इंक्लाइन है तो वो हो जाता है AVP। सेम अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन है और उसमें HP के साथ कुछ इंक्लिनेशन है, ओके, HP के साथ कुछ इंक्लिनेशन है, देन वो हो जाता है ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल के साथ कोई प्लेन जो है, अलग से हमने प्लेन लिया हुआ है, वो प्लेन जो है वो वर्टिकल के साथ इंक्लिनेशन क्रिएट करता है। वैसे यहां पे कोई प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन क्रिएट करता है। सेम टू सेम प्रोफाइल प्लेन का मतलब क्या होता है? आपके पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन है और उन दोनों के परपेंडिकुलर कोई तीसरा प्लेन है, दिख रहा है? दोनों को परपेंडिकुलर है। अगर दोनों को परपेंडिकुलर प्लेन है देन इट इज कॉल्ड एज द प्रोफाइल प्लेन। क्लियर हो? ओके, अभी सेकंड जो है वो है पैटर्न ऑफ प्लेन्स एंड व्यूज। तो यहां पे देखो ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये प्रोफाइल प्लेन है, उसको हम साइड प्लेन भी कहते हैं। ओके, नाउ हम 2D में कैसे ड्रॉ करेंगे? सपोज हम यहां से देख रहे हैं तो यहां पे सामने क्या दिख रहा है? VP पर जो दिख रहा है वो फ्रंट व्यू है। ऊपर से देखेंगे, सपोज यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने ड्रॉ करके दिखाया था आपको, सपोज आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये सपोज आपका ऑब्जेक्ट है, ओके,
ये ऑब्जेक्ट को आप यहां से देख रहे हो, तो यहां पे वीपी पर उसका कोई व्यू दिखेगा आपको, तो वो जो होता है वो फ्रंट व्यू होता है। क्या होता है? फ्रंट व्यू। क्या कहते हैं उसको हम? फ्रंट व्यू और एलिवेशन। क्या कहते हैं? फ्रंट व्यू और एलिवेशन। ओके, क्लियर हो? फ्रंट व्यू और एलिवेशन। वैसे ही अगर हम ऊपर से देखते हैं, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? एक तरह से शेडो दिखेगा। आप यहां से देख रहे हो तो इसका कुछ शेडो वीपी पर पड़ रहा है, तो वो हो गया प्रोजेक्शन। हम एग्जांपल देके भी आगे समझने वाले हैं। सेम ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? टॉप व्यू। ओके, इसके प्रोजेक्शन हम नीचे खींचेंगे तो हमें मिल जाएगा टॉप व्यू। टॉप व्यू को हम कहते हैं प्लान। टॉप व्यू को क्या कहते हैं? प्लान भी कहते हैं, टॉप व्यू भी कहते हैं। ओके, सेम अगर हम यहां से देख रहे हैं तो आपको प्रोफाइल प्लेन पर जो मिलेगा वो होगा साइड व्यू। इसी का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है वो क्या होगा? साइड व्यू। मतलब वर्टिकल प्लेन पर आपको क्या मिलने वाला है? वर्टिकल प्लेन पर आपको मिलने वाला है फ्रंट व्यू। क्या मिलने वाला है? फ्रंट व्यू और एलिवेशन। पूरा नहीं लिख रहा हूं, एलिवेशन। वैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपको क्या मिलेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपको क्या मिलेगा? टॉप व्यू। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो टॉप व्यू, और उसका दूसरा नाम क्या है? प्लान। क्या है? PLAN, प्लान। हम काफी सारे बिल्डर के वहां शायद जाते हैं तो आपको बोलते हैं कि भाई हम प्लान दिखा देते हैं आपको, या तो हमारा कुछ टेनामेंट हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि भाई इसका एलिवेशन कैसा होगा। एलिवेशन मतलब क्या? आउटलुक। आउटलुक मतलब फ्रंट से अगर आप देखे रहे हो, आप बाहर से कुछ देख रहे हो तो वो कैसा दिखेगा, तो उसको हम कहते हैं एलिवेशन। ओके, और फ्रंट व्यू। वैसे ही प्लान मतलब क्या है? टॉप से वो कैसे दिखेगा। आप अगर कहीं पे फ्लैट परचेस करने या ऐसे गए हो, या फ्लैट का कोई ब्रोशर दिखा हो, तो आपने देखा होगा कि इस तरह का पूरा एक आपको व्यू दिया होगा कि भाई यहाँ पे हमारा ये है, ये ड्राइंग हॉल है, यहाँ से आपकी एंट्री है, राइट, ये हमारा ड्राइंग हॉल है, यहाँ पे किचन है, राइट। तो उस तरह से वो ड्रॉ करके देते हैं, और यहाँ पे हमारा बेडरूम है, तो वो सारा कुछ जो है वो आपको टॉप व्यू दिखा रहा है कि भाई इतना बाय इतना आपका ये ड्राइंग रूम रहेगा, इतना बाय इतने का ये आपका बेडरूम रहेगा, ये किचन रहेगा, ये फ्री स्पेस है। तो ये सारा कुछ आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? प्लान में, टॉप व्यू में। ओके, और आप अगर एलिवेशन मतलब कैसा आउटलुक होगा, सामने से कैसे दिखेगा, तो वो क्या है? फ्रंट व्यू। क्लियर हो? यहां तक क्लियर हो सब? ओके, गुड। उसके बाद में जो है वो है हमारा सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर जो है उसमें हम चले जाते हैं। तो सॉलिड वर्क में बेसिक ये दिख रहा है, सॉलिड वर्क जो है उसमें हम चले जाते हैं, ये थोड़ा इरेज कर देते हैं। ओके, गुड, और इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। यहाँ पे आपको तीन प्लेन देखने को मिले, फ्रंट, टॉप एंड राइट। ओके, तो फ्रंट प्लेन पर हम अगर कुछ ड्रॉ करने जा रहे हैं, सपोज हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, क्या साइज है, क्या है, क्या नहीं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ओके, एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया। उस ये देखो, अभी ये जो है वो टू डायमेंशन है। टू डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि हम एक्स एंड वाई डायमेंशन, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ही इसको हमने डायमेंशन दिए हुए है। एक्स डायरेक्शन में उसकी लेंथ है एंड वाई डायरेक्शन में इसकी हाइट है। तो ये हो गया टू डायमेंशनल। मैं इसको थ्री डायमेंशनल में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? थ्री डायमेंशनल में। तो दिख रहा है यहां पे आपको एक विड्थ भी मिल गई। ये देखो, विड्थ को मैं कम कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। ये सॉफ्टवेयर आपको सीखना नहीं है, बस ध्यान रख लो कि ये थर्ड डायमेंशन में इसका क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। ओके, तो ये मैंने थर्ड डायमेंशन इसका ऐड कर लिया। ओके, तो कुल मिला के ये रेक्टेंगल अभी जो आपको दिख रहा है वो क्या है? 3D रेक्टेंगल, मतलब थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगल। तो आपको इसको 2D में कन्वर्ट करना है, तो आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो पता होना चाहिए। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से हम कोई भी 3D ऑब्जेक्ट का 2D ऑब्जेक्ट में व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, डन। तो पहले मैंने क्या बोला था, आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू कहां पे होगा? तो क्या वर्टिकल प्लेन पर। तो वर्टिकल प्लेन जो है वो यहां पे हम सामने से देखेंगे तो है हमारा वर्टिकल प्लेन। तो सामने से हमें क्या दिख रहा है? दिख रहा है पूरा रेक्टेंगल। देखो, ये हो गया हमारा फ्रंट। देखो यहां पे भी फ्रंट लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है? ओके, गुड। तो ये है हमारा फ्रंट। देखो, थोड़ा मैं रोटेट करके भी आपको दिखाता हूं तो थोड़ा क्लियर होगा। दिख रहा है? अगर मैं सामने से देख रहा हूं तो ये रेक्टेंगल ही दिखने वाला है। ऊपर क्या है वो थोड़ा दिखेगा, साइड में क्या है वो थोड़ा दिखने वाला है। मैं सामने से देख रहा हूं मतलब फ्रंट देख रहा हूं तो फ्रंट ही दिखेगा। तो फ्रंट में क्या है इसके? रेक्टेंगल ही है। ओके, वैसे ही टॉप में मैं जा रहा हूं, अगर मैं टॉप व्यू देख रहा हूं
तो टॉप व्यू में भी क्या दिखेगा, रेक्टेंगल। बट कैसा रेक्टेंगल होगा, देखो फ्रंट जो था हमारा, जो फ्रंट था उसमें हम क्या कवर कर रहे थे, लेंथ एंड हाइट कवर कर रहे थे, जबकि टॉप है उसमें हम लेंथ एंड विड्थ कवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लेंथ एंड विड्थ कवर कर रहे हैं। ओके तो ये देखो लेंथ एंड विड्थ कवर किया तो हमें क्या मिला, ये हो गया हमारा टॉप व्यू। देखो मैं इसको थोड़ा रोटेट करता हूं तो आपको पता चले ये रेक्टेंगल का ही पार्ट है। ओके बट इसको हम टॉप से देख रहे हैं, मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है पता है, देखो जो भी ऑब्जेक्ट है आप देख रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, सपोज आप यहां से देख रहे हो, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है तो उस डायरेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, प्रेस कर देना है, दबा देना है, कंप्रेस कर देना है पूरा। अगर आप इसको कंप्रेस कर दोगे तो आपको रेक्टेंगल ही मिलेगा। आप ऊपर से देख रहे हो तो ऊपर से कंप्रेस कर दो तो भी आपको ये रेक्टेंगल मिल जाएगा। वैसे ही साइड से देख रहे हो तो साइड से कंप्रेस कर दो। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके चलो गुड। अभी हम फिर से चले जाते हैं हमारे इस स्लाइड पर। ओके तो अभी ये हो गया आपका, साइड में से देख रहे हो तो साइड व्यू मिल रहा है आपको। ओके तो फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू आपका क्लियर हो गया। बट अगर हम इसको 2D में ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम इसको 2D में ड्रॉ कर रहे हैं, तो 2D में ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको दो वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स वाई लाइन है। कौन सी लाइन है? एक्स एंड वाई लाइन है। तो ये जो चीज है यहां पे आएगा हमारा फ्रंट व्यू। क्या आएगा? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के बॉटम में आता है टॉप व्यू। फ्रंट व्यू के राइट साइड आता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। क्या आता है? लेफ्ट हैंड साइड व्यू। और फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में आता है राइट हैंड साइड व्यू। क्या आता है? राइट हैंड साइड व्यू। ओके डन। अभी ये जो फ्रंट व्यू है वो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, तो देखो उसके लिए मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, ये जो प्रोफाइल प्लेन है उसको मैं क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं राइट। वैसे ही ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको मैं क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं, 90 डिग्री रोटेट करके ओपन कर रहा हूं। जैसे हमारा ये एक बॉक्स है, बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, कट करके ओपन कर रहे हैं राइट। ओके तो देखो ये मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन को ओपन कर लिया, उसके बाद में वैसे ही क्या कर रहा हूं, साइड प्लेन को भी ओपन कर रहा हूं। तो देखो यही चीज मैंने जो यहां पे लिखी हुई है, ये फ्रंट व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, टॉप व्यू है, यही चीज यहां पे मैं उठा के रख रहा हूं। तो देखो सेम टू सेम है, यहां पे फ्रंट व्यू है, यहां पे लेफ्ट हैंड, फ्रंट व्यू के राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू है। ओके यहां पे राइट हैंड साइड व्यू की बात नहीं की है, बट अगर यहां पे दूसरा एक प्लेन होता इस साइड बराबर, तो वहां पे आपको क्या मिल जाता, राइट हैंड साइड व्यू मिल जाता। डन, यहां तक क्लियर हो सब? ओके गुड। तो ये जो है वो कौन सी मेथड है, फर्स्ट एंगल मेथड है। कौन सी मेथड है? ये जो मेथड है उसको हम कहते हैं फर्स्ट एंगल मेथड। कौन सी मेथड? फर्स्ट एंगल मेथड। ओके याद रखना, फर्स्ट एंगल मेथड में क्या होता है, एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू होता है। ओके एक्स वाई लाइन के नीचे टॉप व्यू होता है, एक्स वाई लाइन के राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है और लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड व्यू होता है। कौन सी मेथड? फर्स्ट एंगल मेथड में। ओके क्लियर हो यहां तक? ओके गुड। उसके बाद में नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्लाइड पर। ये हो गया देखो हमारा, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, एक्स वाई लाइन आ गई, यहां पे फ्रंट व्यू हो गया, यहां पे टॉप व्यू हो गया और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। ओके गुड, यहां तक क्लियर हो सब? अभी देखो नेक्स्ट एक जो है वो हम मेथड्स ऑफ ड्रॉइंग जो है वो फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल होती है। फर्स्ट एंगल जो मैंने समझा दी, थर्ड एंगल मैं आपको समझा दूंगा। ओके सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम यहां से देख रहे हैं। ओके ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं यहां से, तो फ्रंट व्यू जो है वो ये डार्क ब्लू पोर्शन है वो दिखने वाला है, आया ना? देखो फ्रंट व्यू हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यही दिखेगा। ओके गुड, फ्रंट व्यू दिख रहा है सबको, रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। ओके तो रेक्टेंगल में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, बट विद डायमेंशन ड्रॉ करना है। जब भी हम ड्रॉ करेंगे कुछ तो विद डायमेंशन ड्रॉ करेंगे। ये डार्क ब्लू है तो मैं डार्क ब्लू ही ड्रॉ करने जा रहा हूं। सपोज ये यहां पे इसकी ये जो लेंथ है वो 20 है, लेंथ कितनी है, 20 है और हाइट जो है वो 60 है।
हाइट जो है वो क्या है 60 है, ओके तो यहां से मुझे लेंथ एंड हाइट ही मिलने वाली है, तो यहां से थोड़ा ऊपर, कोई डायमेंशन फिक्स नहीं कितना ऊपर लेना, कोई भी ऊपर ले लो आप, पहले 20 mm की एक लाइन ड्रॉ करो, आपको पता है रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो उसमें पहले मैंने 20 mm ड्रॉ किया, फिर ये 60 mm ड्रॉ किया हाइट, तो ये हो गया मेरा पूरा एक रेक्टेंगल, तो ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू। अभी फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन जो है उसको खींचना है, तो प्रोजेक्शन कैसे खींचोगे आप, सिंपल है, इसकी जो लाइन है उसके एग्जैक्टली ये जो लाइन है वैसे ही लाइट लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे, जैसे आप डायमेंशन ड्रॉ करने के लिए कैसे खींचते हो बस लाइट लाइन, तो आपको यहां से देखो ये जो लेंथ है ये आपने यहां से डायमेंशन खींच लिया तो आपको ये जो लेंथ है वो डायरेक्टली मिल गई, आपको यहां से मेजर करके ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम आ जाते हैं टॉप व्यू पर, क्योंकि मुझे यहाँ पे टॉप व्यू ड्रॉ करना है, तो टॉप व्यू में भी मुझे क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, बट कैसा रेक्टेंगल, कौन सा डायमेंशन का है, तो उसमें एक तो आपकी लेंथ जो है वो कवर हो रही है और एक विड्थ कवर हो रही है, सपोज विड्थ जो है वो आपकी है 10 mm, विड्थ कितनी है 10 mm है, ओके तो यहां पे लेंथ तो कवर हो गई, तो लेंथ तो हमने ऊपर से ये एक्सपांड करके ले लिया हुआ है, बट अभी मैं जो टॉप व्यू ड्रॉ करने जा रहा हूं ये हो गई मेरी लेंथ, लेंथ तो हो गई बट मुझे क्या चाहिए अभी, विड्थ चाहिए, तो विड्थ कितनी है 10 mm है, तो मैं यहां से 10 mm बिलो जाऊंगा, यहां से भी 10 mm बिलो जाऊंगा और इस लाइन को कनेक्ट कर लूंगा, तो ये हो गया मेरा टॉप व्यू, क्लियर हो, तो टॉप व्यू के लिए यहां पे मूव होते हैं हम, टॉप व्यू कैसा दिखेगा, एग्जैक्टली रेक्टेंगल ही दिखेगा, ये देखो शेडेड पोर्शन है ही हमारे पास, ओके तो ये हो गया हमारा टॉप व्यू, दिख रहा है ये टॉप व्यू, और टॉप व्यू हमने यहां पे क्रिएट कर लिया। अभी बात होती है साइड व्यू की, लेफ्ट हैंड साइड व्यू की, तो जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करते हो तो इतना याद रख लो, लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए सबसे पहले ये जो एक्स वाई लाइन है और ये जो लाइन है उसके इंक्लाइन आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके इंक्लाइन में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर यहां से डायमेंशन जो है, यहां से जो ये डायमेंशन है उसका एक्सटेंशन आपको लेना है, ये इसको हम कहते हैं रेफरेंस, ये हमने रेफरेंस लिया और इसको ऊपर खींच लिया, तो ये किसका रेफरेंस आया, विड्थ का रेफरेंस आया, देखो ये जो है वो क्या है विड्थ है, तो यहां से आपकी विड्थ का रेफरेंस आ गया, सेम यहां से हाइट का रेफरेंस आ गया, ये हो गई हाइट का रेफरेंस, तो कुल मिला के हमारा जो व्यू है ये वाला, हमारा जो व्यू है ये जो व्यू है कौन सा व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, क्योंकि हम लेफ्ट साइड जाके देख रहे हैं, यहां पे हम खड़े थे अभी हम लेफ्ट साइड जाके देख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है उसमें हमें क्या दिखने वाला है, एक तो हाइट दिखने वाली है और एक विड्थ दिखने वाली है, तो देखो हाइट तो यहां से मिली, तो ये हो गई हमारी हाइट, ओके ये हो गई हमारी हाइट, और यहां से हमने क्या खींच लिया, विड्थ खींच ली, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, क्लियर हो यहां तक 100%। वैसे ही अगर राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है तो सेम प्रोसीजर है, आपको क्या करना है, यहां पे 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहां से एक्सटेंशन, यहां से एक्सटेंशन हो, यहां से एक्सटेंशन, और लाइन को कनेक्ट कर लेनी है, बराबर है। तो ये एक ऑब्जेक्ट के लिए आप घर पे भी ट्राई करो, आपको फ्रंट व्यू ये व्यू नहीं ड्रॉ करना है, ये 3D व्यू है, ये व्यू हमें ड्रॉ करना ही नहीं है, ओके हमें जो ड्रॉ करना है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। तो आप बोलोगे कि सर ये क्यों है, अगर हम 3D में ज्यादा समझ रहे हैं तो 2D क्यों ड्रॉ करें। तो बेटा क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री में जब भी कोई लेबर जो है वो कुछ वर्क करने जाता है तो उसके पास ये व्यू रहता है, क्योंकि उसमें सारा इन्फॉर्मेशन, ये तो बहुत ही इजी व्यू है तो आपको दिख जाता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है वहां पे कुछ ड्राइंग है तो उसके लिए क्या होता है कि इस तरह के व्यू ड्रॉ करने पड़ते हैं, ओके अगर आपका फ्लैट है या आपका कोई घर है जो आप खरीदने जा रहे हो उसमें इस तरह से 3D दिखा देंगे तो अंदर का कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा, अंदर का देखने के लिए आपको कौन सा व्यू देखना पड़ेगा, टॉप व्यू ही देखना पड़ेगा, क्लियर हो, आपको फ्रंट में कैसा दिख रहा है वो देखने के लिए आप एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू ही देखोगे, 3D व्यू देखोगे बट वो कैसा होगा, एक इमेजिनरी, आपका इमेजिनेशन जो है वो थोड़ा क्लियर करेगा, बट एग्जैक्ट जो क्लैरिफिकेशन मिलेगा वो आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू देगा, ओके क्लियर हो, ओके गुड। अभी देखो यहाँ पे ये इस तरह का रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट था तो आपको रेक्टेंगल हो रहा है वो क्लियर हुआ। अभी मैं एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूं,
स्केच में जा रहा हूँ, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्केच कर रहा हूँ, सॉरी टॉप प्लेन में मुझे स्केच करना है, टॉप प्लेन में जा रहा हूँ और स्केच कर रहा हूँ। टॉप प्लेन में मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, पिक्चर में जाके एक्स शूट दे रहा हूँ, इसकी लेंथ इंक्रीज कर रहा हूँ और डन कर रहा हूँ। तो देखो ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, 3D ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर रोड है सपोज, ओके सर्कुलर रोड है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप व्यू में देखने का, फ्रंट व्यू में पहले तो हम 3D व्यू देखते हैं इसका। तो इस तरह का 3D व्यू है आपके सामने, ओके ये 3D व्यू है आपके सामने। तो ये जो 3D व्यू है उसको अगर हम फ्रंट से देखने जा रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। राइट है, बैक है, ये फ्रंट है, ओके ये फ्रंट है। तो फ्रंट में से हम देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, आप बोलोगे कि सर हमने तो रोड सर्कुलर रोड क्रिएट किया है, बट बेटा आप जब भी उसको फ्रंट में से देख रहे हो तो वो सर्कुलर कितना है वो पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल ही दिखने को मिलेगा। जो देखो मैं इसको थोड़ा रोटेट करके आपको दिखा रहा हूं तो आपको पता चलेगा, दिख रहा है तो सर्कुलर रोड ही, बट जब भी आप फ्रंट में से देख रहे हो तो आपको क्या दिखने को मिलेगा, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ही देखने को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आपके पास कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसका जितना डायमीटर है उतना रेक्टेंगुलर ब्लॉक ही आपको फ्रंट में से देखने को मिलेगा, जबकि टॉप में से आप देखने जाओगे तो आपको एक पूरा सर्कल देखने को मिलेगा। जो आप सोच रहे हो कि भाई ये सर्कुलर रोड है तो सर्कल ही दिखना चाहिए, बट फ्रंट में से तो क्या दिखेगा आपको, एक सिंपल रेक्टेंगुलर ब्लॉक ही दिखेगा। जैसे आप कॉलेज की बिल्डिंग के बाहर सामने खड़े हो तो आप सामने से ऑब्जर्व कर रहे हो तो टॉप पर क्या है वो आपको पता चलेगा, नहीं चलेगा ना। आप फ्रंट से देख रहे हो, थोड़े दूर से देख रहे हो, चलो ऐसा सोचो, तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये सर्कुलर रोड है या फ्लैट है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो आपको फ्रंट में क्या ड्रॉ करना है, जितना दिख रहा है उतना ही। तो इसके फ्रंट में आपको क्या दिख रहा है, इसके फ्रंट में आपको एग्जैक्टली वही चीज दिख रही है, ओके फ्रंट व्यू में आपको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल ही दिख रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्कुलर ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू में एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ड्रॉ करना है और टॉप व्यू में एक सर्कल ड्रॉ करना है, ओके डन। तो आज के लिए इतना रखते हैं, सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द लेक्चर, थैंक यू।